श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे। चर मारे सुमित्रा माता विप्र काजु करी बंधु दो मग मुनि बधु धारी आए देखन चाप मख सुनी हर्षी सब नारी पन परिहरि हठ करे विवाहु वो कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने सखे परंतु पनु राम नत जई विधि बस हठ अभिवेक ही भजई उचित फल दाता तो जान की मिली बरुए हूँ नाहीं
गीत हम कहूँ सुनहु सखी इन्ह कर तरसनु दूरी यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि बोली पर कहो सखिनी का यही ब्याह अति हित सब ही का को कह संकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा सब असमंजस आहि सयानी यह सुनिया पर कहई मृदु बानी सखीन कह को अस कहही बड़ प्रभाव देखत लघुअही पर सिजा सुपद पंकज धूरी तरिय हल्याकृत अघ भूरी सोके रही ही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परिहरियन भोरे जेहि बिरंचिर चिसीय सवारी तेहि श्यामल बरुर चेउ बिचारी ऐसी हो कही मृदु बानी हिय हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहां जह बंधु दो तह तह पर